हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपने फर्स्ट सम कर लिया था पहले, तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड सम। तो देखिए, सेकंड सम में लिखा है यस और नो, हमें बताना है। फर्स्ट इज एवरी डायमीटर इज अ कोर्ड ऑफ द सर्कल, कि हर डायमीटर एक सर्कल की डायमीटर है वो एक कोर्ड होती है। तो देखिए कैसे होती है, ये लिखेंगे हम यस। क्यों लिखा हमने, तो देखिए हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमें ये हमारा सर्कल पॉइंट है, सेंटर है, ये हमारी ए सी हमारा डायमीटर है। जैसे कि आपको पता है, सेंटर से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कोर्ड, कोर्ड के बारे में पढ़ा था। कोर्ड क्या होती है, सर्कल के ऊपर किसी भी टू पॉइंट्स को मिलाना। जो सर्कल के ऊपर, ये देखिए, ये भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये सी सर्कल के ऊपर पॉइंट है। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को कोर्ड बोलते हैं। तो देखिए, जैसे ये है, ये भी ई और डी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इनको मिलाया तो डी ई भी हमारी कोर्ड बन गई। बट ये जो हमारी डायमीटर होती है, ये हमारी सबसे बड़ी कोर्ड होती है। हम इसे कोर्ड बोल सकते हैं क्योंकि ये सेंटर सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं और उनको मिला रहे हैं हम। तो ये भी हमारी, ये सबसे बड़ी डायमीटर, हमारी सबसे बड़ी कोर्ड होती है और डायमीटर को हम कोर्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यस। एवरी कोर्ड, सेकंड इज एवरी कोर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और सेकंड पूछा उन्होंने, जो एवरी कोर्ड, सारी जो कोर्ड होती हैं उसको डायमीटर बोल सकते हैं। तो ये हमारा नो आएगा। क्यों, ये हमारा रोंग है, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो हमारा सेंटर से होकर जाता है। हमारी जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होकर जाने वाली लाइन होती है, बट जो कोर्ड होता है वो सिर्फ सर्कल के ऊपर के टू पॉइंट्स को मिलाता है। अब जैसे ये वाला तो हमारा डायमीटर था, इसको हम कोर्ड बोल सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से होकर जाने वाली लाइन है डायमीटर, और सर्कल के जो टू पॉइंट्स है उसको मिला रही है, ठीक है। बट ये वाली जो कोर्ड है, अब ये देखिए, क्या ये सेंटर से होकर जा रही है, ये सेंटर तो पॉइंट ये रहा, सेंटर से होकर नहीं जा रही, बट ये कोर्ड है। क्यों, क्योंकि ये टू पॉइंट्स को, सर्कल के टू पॉइंट्स को मिला रही है। तो जो कोर्ड होती है उसे हम डायमीटर नहीं बोल सकते, बट जो डायमीटर है वो हमारी कोर्ड हो सकती है, उसे हम कोर्ड बोल सकते हैं। और जो डायमीटर होती है वो हमारी सबसे बड़ी कोर्ड होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है। थर्ड सम इज ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस पर हमें ये पॉइंट्स देने हैं। जैसे फर्स्ट इज इट्स सेंटर। तो देखिए, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो आपने इसी तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है और हमें एक सेंटर देना है। सेंटर हमने एक नाम दिया ओ का, सेंटर पे नेम दिया हमने ओ का। सेकंड इज बी, बी ए रेडियस, रेडियस दिखानी है हमें एक, तो हमने एक रेडियस ली ओ और टी, हमने ओ टी एक रेडियस ले ली, ओ टी सेगमेंट। थर्ड सी ए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो हमारी सीधी लाइन जो सेंटर से होकर जाती है सर्कल के टू पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस थी, रेडियस को डबल कर दिया हमने, एक लाइन बना दी सीधी सेंटर से होकर जाने वाली एक सीधी लाइन। तो ये हमारी टी और ये हमारा क्यू, तो टी क्यू हमारे डायमीटर हो गया। डी इज ए सेक्टर, सेक्टर अब हमारा देखिए, ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी। ओ क्यू, हमने एक रेडियस ली यहाँ से, ओ पी, ओ पी हमने एक रेडियस और बना दी, ओ पी और ओ क्यू टू रेडियस, और पी क्यू हमारे आर्क, पी क्यू हमारी आर्क हो गई। तो ये आर्क और ये हमारा टू रेडियस, तो ये हमारा सेक्टर बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर, पी ओ क्यू हमारा सेक्टर हो गया। नेक्स्ट है ई सेगमेंट, सेगमेंट हमारा अब क्या होता है, जो हमारा कोड और आर्क से बने। तो हमने एक कोड बनाई सेंटर से, साइड में हमने टू पॉइंट्स लिए सर्कल के, उनको मिलाकर हमने एक कोड बना दी, एस आर कोड और एस आर हमारी ये वाली आर्क। तो ये हमारा सेगमेंट बन गया। तो हमारा सेगमेंट क्या है, एस आर या आर एस लिख सकते हैं। एफ है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में कोई भी पॉइंट देना है, तो इंटीरियर में आप कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। तो हमने, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है वी पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं वी हमारा इंटीरियर पॉइंट है, पॉइंट वी। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर की साइड, तो हमने बाहर एक पॉइंट दे दिया यू, ओके। और हमें एच में पॉइंट में बतानी है एन आर्क,
आर्क बतानी है आपको, तो आर्क हमारी कौन सी है, ये वाली आर्क। ओके, तो ये हमारी हो गई आर्क। आर्क कोई भी ले सकते हैं आप, वैसे पी क्यू भी हो सकती है, हमने एस आर आर्क ले ली। तो ये हमारा आर्क को शो करता है ये पॉइंट, ऐसे जो एंगल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो ये हमारा एस आर एक आर्क हो गया। तो इससे हम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.6। इफ़ किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.6।